बेटियों का नसीब चांद से ज़्यादा रोशन होगा। माँ बाप हर रोज़ कुरान की ये एक सूरत पढ़ लें, घर में रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक की ये सूरत मुबारका इंसान का नसीब खोलने की चाबी है। ख़ास तौर पर अगर ये सूरत ऐसी बहनें और बेटियां पढ़ती हैं कि जिनके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे या जो अपने घर में खुश नहीं है, इन्हें ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ जो दिनों में उनके नसीब को खोल देगा। उनके लिए अच्छे से अच्छे रिश्तों की बारिश होने लगेगी। उनकी ज़िंदगी के तमाम मामलात की चाबी इनके हाथ में आ जाएगी और फिर वो अपनी ज़िंदगी के हर मामले को जिस अंदाज से चाहें, जिस तरह से चाहें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हैंडल कर लें। अगर गैर शादीशुदा है तो लोग दीवानों की तरह रिश्ते लेकर आपके पीछे पीछे होंगे और आपके एक हाँ के मुंतज़िर होंगे। लेकिन अगर मेरी ऐसी माएँ और बहनें ये सूरह मुबारका पढ़ें जो कि शादीशुदा हैं, तो इस वजीफ़े की बरकत से उनके शौहर, बच्चे और ससुराल वाले उनके पीछे पीछे होंगे और उनको पूरे ख़ानदान वाले अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे और उनकी हाँ में सब की हाँ होगी और ना में ना होगी। गोया ज़िंदगी के तमाम मामलात की डोर उनके हाथ में होगी, जिस अंदाज में चाहेंगे ज़िंदगी बसर कर पाएंगे। अलगर्ज़ ये वजीफ़ा जो भी मेरी बहन या बेटी करेगी, इसका नसीब चांद की तरह रोशन और मुनव्वर हो जाएगा। और अगर नाज़रीन आप इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें तो हर रोज़ नसीब वाले चांद की चांदनी बढ़ती ही चली जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि आप सब ये बात बखूबी जानते हैं कि आजकल तकरीबन सब ही माँ बाप अपने बच्चों और ख़ास तौर पर बच्चियों यानी अपनी बेटियों के नसीब को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। सबसे बड़ी परेशानी वाली बात यह है कि उनका मुनासिब रिश्ता नहीं मिलता, और अगर कहीं रिश्ता हो भी जाता है तो यही डर लगा रहता है कि इसकी ज़िंदगी में आने वाला मर्द कैसा होगा। नए लोग जो बेटी की ज़िंदगी में शामिल होने वाले हैं वो किस तरह के होंगे, यानी उनका ससुराल कैसा होगा। इस तरह की हज़ारों किस्म की परेशानियों ने माँ बाप को घेरा होता है। आज मैं आपको जो वजीफ़ा बताने वाला हूँ, इसे अगर आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेते हैं तो यकीन कीजिए कि अगर आपके 9 या 10 बेटियाँ भी हों तो इस वजीफ़े की बरकत से वो सब के सब अच्छे और बेहतरीन घरों में ब्याही जाएंगी। बड़े से बड़े ख़ानदान आपके पीछे पीछे होंगे और आपके तमाम बेटियां कब ब्याही जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ, यानी आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होगी। अल्लाह ताला ऐसे असबाब मुहैया फरमाएगा कि आपके तमाम मामलात खुद ब खुद हल होते ही चले जाएंगे। प्यारे दोस्तों, वजीफ़ा ये है कि कुरान की इस बाबरकत सूरह मुबारका को एक मरतबा हर रोज़ पढ़ना है और इस सूरत की तिलावत के लिए मखसूस वक्त का तयन भी नहीं है, लिहाजा दिन के जिस हिस्से में भी मौका मिले पढ़ ली जाए। लेकिन अगर इस सूरह मुबारका को नमाज फजर के बाद पढ़ सके तो ज़्यादा बाइस बरकतों आफियत होगा, वरना पूरे दिन भर में किसी भी नमाज के बाद एक मरतबा ज़रूर कुरान पाक की ये सूरत पढ़ लेनी चाहिए। क्योंकि एक हदीस में है कि जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाती है शैतान वहाँ 3 दिन तक नहीं आता, और जब पढ़ी जाए तो जिस कदर सहूलत हो, यानी एक मजलस या मुतअद मजालस में पढ़ना दुरुस्त है। इस सूरह मुबारक का पढ़ना बाइस बरकतों सवाब है। हदीस मुबारक में इसकी बड़ी फजीलत मजकूर है। चनांचा हदीस मुबारक में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान की ये सूरत पढ़ा करो, क्योंकि इसका पढ़ना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत और बदनसीबी है, और अहले बातल इस पर काबू नहीं पा सकते। इमाम करतबी ने हज़रत महाज रजी अल्लाह ताला अन्हु से नकल किया है कि इस जगह अहले बातल से मुराद जादूगर है। मुराद ये है कि इस सूरत को पढ़ने वाले पर किसी किस्म का जादू ना चलेगा। नेज़ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाए शैतान वहाँ से भाग जाता है, और इसके छोड़ने वालों के लिए हसद और बदनसीबी से मुराद ये है
कि ऐसे लोगों के नसीब के ताले बंद ही रहते हैं जो इस सूरह मुबारका को पढ़ते नहीं हैं। लिहाजा इस सूरह मुबारका को हर रोज़ पढ़ने से नसीब के बंद ताले भी खुल जाते हैं। एक और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरह मुबारका सनाम अल कुरान और ज़रूत अल कुरान है। सनाम और ज़रूत हर चीज़ के आला व अफजल हिस्से को कहा जाता है। इसकी हर आयत के नजूल के वक्त 80 फरिश्ते इसके जलू में नाजल हुए। जान लीजिए कि ये सूरह मुबारका कुरान करीम में एक बेशबहा खजाना है और बुजुर्गान दीन ने सूरह मुबारका को इंसान का नसीब चमकाने की चाबी करार दिया है। जैसे जैसे आप इस सूरह मुबारका को पढ़ते जाएंगे, आपके नसीब के ताले खुलते ही चले जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये कुरान पाक की दूसरी सूरह मुबारका है। कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत यानी सूरह बकरा है। बेशुमार अहदीस मुबारका में सूरह बकरा की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान फरमाई गई है। मेरे तमाम मुसलमान भाई और बहनें जो अपना नसीब चांद की तरह चमकाना चाहते हैं, वो सूरह बकरा को रोज़ाना एक मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें। यकीनन ये सूरह मुबारका काफ़ी लंबी है और इसको पढ़ने में कम से कम एक घंटा दरकार है। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी को चमकाना चाहते हैं, ना सिर्फ अपने नसीब को बल्कि पूरे घर के तमाम अफराद के नसीब को बदलना चाहते हैं, तो फिर ये कुर्बानी देना होगी कि सूरह बकरा को रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लें। बहनें और बेटियां खुद पढ़ सकती हैं, माँ बाप अपनी औलाद के लिए पढ़ सकते हैं और भाई अपनी बहनों के अच्छे नसीब और अच्छे रिश्तों के लिए पढ़ सकते हैं। सिर्फ चंद दिन पढ़ने से ही इसके ज़बरदस्त नतायज आपको हासिल होना शुरू हो जाएंगे। नहायत ही पावरफुल सूरह मुबारका है और इसके बेहतरीन नतायज पाने के लिए इसे हर रोज़ फजर की नमाज पढ़ने के बाद पढ़ने का मामूल बना लें। लेकिन अगर फजर के बाद आपको वक्त नहीं मिल पाता, तो अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी वक्त मुकर्रर कर लें और इस वक्त में ये सूरह मुबारका पढ़ लिया करें। अब ये भी ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ एक ही वक्त पर पढ़ना है, रोज़ाना का वक्त तब्दील करके भी पढ़ सकते हैं। यानी हर रोज़ जिस वक्त भी आप आसानी से ये सूरह मुबारका पढ़ सकें पढ़ लें। तो जब आप इसका मामूल बना लेंगे, तो बाहर जाकर रिश्ते ढूंढने की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद आपके घर रिश्ते लेकर आएंगे और अच्छे से अच्छे रिश्ते खुद ब खुद आपके पास पहुंचने लगेंगे। अल्लाह ताला ऐसे ऐसे वसाइल मुहैया फरमाएंगे कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। प्यारे नाज़रीन, इस सूरह मुबारका को पढ़ने के साथ ही साथ 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ भी लाजमी पढ़ें और जिस भी मकसद के लिए पढ़ रहे हों, इसके लिए दुआ भी ज़रूर करें। यानी अगर आप बहन बेटी या खुद अपने रिश्ते के लिए इस सूरह मुबारका की तिलावत कर रहे हैं, तो इसकी तिलावत के बाद अल्लाह ताला के सामने आजाना दरख्वास्त ज़रूर पेश करें। और इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अल्लाह ताला ये नहीं जानता कि आप किस मकसद के लिए ये अमल कर रहे हैं या ये सूरह मुबारका पढ़ रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से ये चाहता है कि वो खुद अल्लाह के सामने दुआ की सूरत में अपनी हाजात पेश करें और अल्लाह के सामने दुआएं करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन दुआओं को दर्जा कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम बहन बेटियों के नसीब अच्छे और शानदार फरमाए और इन्हें बेहतर से बेहतरीन रिश्ते अता फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को नेक बात को सुनने समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कर दें। वीडियो पसंद आने पर हमारी वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें।